हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के माध्यम से रंगीन पेपर से कुछ इस प्रकार का हाथी बनाना सीखेंगे, जिसको आप देख रहे होंगे कितना ये खूबसूरत लग रहा है। और इस क्राफ्ट को बनाना भी काफ़ी आसान है एंड अपने चैनल पे इसी प्रकार के बहुत सारे कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं। यदि आप बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। तो वीडियो को देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्राफ्ट को बनाने के लिए आप कोई भी कलर का पेपर ले लेंगे। अभी हम एक पेपर रखे हुए हैं, इस पेपर का साइज हमारा स्क्वायर से पेपर है। इसमें आप बड़ा भी साइज का स्क्वायर से पेपर रख सकते हैं, छोटा भी साइज का स्क्वायर से पेपर रख सकते हैं। जिस साइज का आपको एलिफेंट बनाना है, हाथी बनाना है, उस साइज का आप स्क्वायर से पेपर रख सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस पेपर को फोल्ड करना अब स्टार्ट करते हैं। तो फोल्ड करने के सबसे पहला जो फोल्ड हम तैयार करेंगे वो इस प्रकार से, सबसे पहले इस प्रकार से हाफ फोल्ड हम कर लेते हैं। हाफ फोल्ड करने के बाद पेपर को ऐसे करके खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ से इस लाइन को हमको इस मिडिल वाले फोल्ड पे हमको पहले मिला लेना है। अच्छे से जब हमारा मिल जाएगा तो एक फोल्ड हम यहाँ से ऐसे तैयार कर देते हैं। सेम इसका अपोजिट हमको इधर से भी तैयार कर लेना है। क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको मिडिल फोल्ड पे ऐसे करके अच्छे से मिला लेंगे। एंड मिलाने के बाद क्या करना है कि एक फोल्ड हमको ऐसे करके तैयार कर देना है। जैसे ही आपको फोल्ड तैयार करेंगे, ये आपका पेपर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। पीछे से आपका कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, आप भी जब बनाएंगे तो आपको भी इस प्रकार से दिखना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे करके पेपर को हाफ फोल्ड कर लेते हैं। हाफ फोल्ड करने के बाद इस पेपर को ऐसे करके रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, अंदाज से ही एक फोल्ड हम ऐसे करके तैयार करेंगे, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कैसे हम फोल्ड तैयार कर रहे हैं। पहले हम एक फोल्ड तैयार कर देते हैं, इस फिर हम आपको बताते हैं कैसे हम फोल्ड तैयार किए हैं। तो इस प्रकार से क्या किए हैं कि अंदाज से ही एक फोल्ड हम यहाँ से तैयार कर दिए हैं। यहाँ पर यदि आप मेजरमेंट की बात करेंगे तो आपको क्या है कि इस ये जो फोल्ड हम तैयार करें, यहाँ से कुछ दूरी छोड़ के यहाँ से एक फोल्ड ऐसे तैयार कर देना है। एंड ये ध्यान देना है कि ये लाइन एंड ये लाइन थोड़ा सा पैरेलल होना चाहिए। यदि पैरेलल नहीं भी होगा तो चलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर भी रहेगा तो चलेगा। क्योंकि जिस शेप में हम मतलब कि टाइप से हम इसको हम फोल्ड करेंगे, उसी टाइप का हमारा क्या होगा कि फेस बन जाएगा, है ना, उसी डायरेक्शन में बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं। बाय द वे आपका इधर के बदला इधर भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस टाइप से आप पहले फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड और यहाँ से बीचों बीच ऐसे करके तैयार करना है। तो इसके लिए इस पेपर को ऐसे करके एक फोल्ड और हम तैयार कर देते हैं। जैसे ही हमारा ये फोल्ड तैयार होगा तो ये पेपर आपको खोलने के बाद इस प्रकार से नजर आ रहा है। अभी जो हम दो फोल्ड हम तैयार किए हैं, एक फोल्ड ये एंड एक फोल्ड ये, इस दोनों फोल्ड को क्या करेंगे, दोनों साइड से हम फोल्ड तैयार करेंगे, है ना। ताकि क्या होगा कि नेक्स्ट फोल्ड जब हम तैयार करेंगे तो उसको शेप में लाने में, उसको फोल्ड करने में हमको आसानी होगा, है ना। तो ये देख रहे हैं कि दोनों साइड से हम इस फोल्ड को अच्छे से फोल्ड कर लिए। ये आपका जब फोल्ड हो जाएगा, इस पेपर को ऐसे जैसे पहले था वैसे हम रखेंगे। इसके बाद बीच वाले पार्ट को ऐसे करके फैलाएंगे। ये फैलाने के बाद इस पेपर को क्या करेंगे, इस शेप में हम आराम से ऐसे करके रख देंगे। जैसे ही रखेंगे, ये आप देख रहे हैं आगे से आपका कुछ इस प्रकार का बन गया है। ये जो हाफ फोल्ड जो आपका इधर का पार्ट है, ये पार्ट को आप क्या करेंगे, यहाँ से पीछे की तरफ ऐसे करके आराम से मोड़ देंगे, है ना। इस प्रकार से मोड़ने के बाद ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये क्या है कि एलिफेंट के शेप में बनते जा रहा है। ये यहाँ पे आपका कान बनेगा, यहाँ पे क्या है कि एलिफेंट का सूंड है, और यहाँ पे इसका पैर वगैरह बनाएंगे, है ना। अब क्या करते हैं कि इसका सूंड को थोड़ा सा हम वॉल्यूम में लाते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि परफेक्ट सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा राउंड में होता है। तो राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस शेप में हमको इसका सूंड को लाना है उस शेप में पहले ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पेपर को ऐसे खोलेंगे एंड अंदर की तरफ हम क्या करेंगे, वही फोल्ड को पलट देंगे। ये पलटना आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। जो फोल्ड हम पहले तैयार किए हैं, बस उसी फोल्ड को क्या करेंगे, खोलने के बाद ऐसे करके अंदर की तरफ हम पलट देंगे। फिर हम एक और हम फोल्ड करना चाह रहे, चूँकि हमारे पास पेपर कुछ और बचा हुआ है, तो यहाँ से एक फोल्ड ऐसे करके तैयार कर देते हैं। तैयार करने के बाद इसको भी हम सेम वही काम करेंगे, ऐसे करके खोलेंगे एंड इस पेपर को हम अंदर की तरफ से पलट लेंगे। तो ये देख रहे हैं कि, और इससे क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक पेपर लॉक भी हो जाता है ना। तो ये देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत सा इसका सूंड बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका पैर बनाना है। तो पैर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम कट भी कर सकते हैं, नहीं तो क्या करते हैं पहले हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं कितना दूरी हमको कट करना है। इस प्रकार से आप पहले मार्किंग कर लेंगे एंड मार्किंग करने के बाद इसको आप कट कर देंगे। तो ये हम मार्किंग किए हैं, बस इस पार्ट को हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसको हम कट कर चुके हैं। कट करने के बाद ये धीरे धीरे एलिफेंट के जैसा इसका आउटलाइन अब लगने लगा होगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसका कान को थोड़ा सा वॉल्यूम में लाना है। तो वॉल्यूम में लाने के लिए इस प्रकार से ऐसे कर देंगे तो क्या होगा कि इसका कान थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे करके हो जाएगा। इधर से भी सेम प्रोसेस हम वही टाइप से कर देते हैं, ऐसे करके आप
थोड़ा सा ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हल्का सा इस वॉल्यूम में आप कर देंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब इसका आइज बनाना है एंड इसका तिथ बनाना है, दांत बनाना है। तो आइज बनाने के लिए यदि आपके पास गूगली आइज है तो गूगली आइज ही आप यूज करेंगे, नहीं यदि गूगली आइज है तो जैसे हम अभी कर रहे हैं उस टाइप से आप क्या करेंगे आइज को ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, एक आइज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं एंड इसके बाद इसका दांत भी हम ड्रॉ करेंगे। तो दांत ड्रॉ करने के लिए इस प्रकार से वाइट पेपर में ही इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे एंड इसको क्या करेंगे कि हम पेपर को इस प्रकार से ऐसे करके फोल्ड कर देते हैं ताकि एक बार हम कट करें तो दो पार्ट हमको, दो मतलब कि दो दो आँख दो दांत हमको कट होकर के निकले। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको हम कट कर चुके हैं, यहाँ पर दो आइज है एंड दो यहाँ पे दांत है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम चिपका देते हैं। तो आइज को हम यहाँ पे चिपका देते हैं ऐसे करके, हल्का सा फेविकॉल यहाँ पे लगाएंगे एंड लगाने के बाद एक आइज को हम इधर चिपका देते हैं। सेम इसका अपोजिट हम इसके पीछे भी चिपकाएंगे एंड ये जो हमारा तिथ है इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे करके हम चिपका देंगे। इसको चिपकाते हैं क्या है कि ये देख रहे हैं कि पहले से ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे, आइज को आराम से हाईलाइट कर देंगे। तो हाईलाइट करने के लिए आपको ब्लैक स्केच पेन लेना है एंड इस प्रकार से आप हाईलाइट कर देंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, है ना। ये स्केच पेन से करे तो नहीं हुआ, अब मार्कर से इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर डार्क अप चल रहा है। इस प्रकार से क्या करेंगे कि इसको आप कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो भी चुका है एंड इस क्राफ्ट को बनाने में टोटल लगभग 5 से 6 मिनट ही हमको लगा और 5 से 6 मिनट में हम अच्छे से आपको समझाते हुए इस क्राफ्ट को बना दिए। वैसे आप स्पीड में बनाएंगे तो 2 से 3 मिनट में इस क्राफ्ट को आप बना सकते हैं, है ना। यदि आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आप ही इस क्राफ्ट को बना सकते हैं। आपको शुरुआत में लगता होगा कि हाथी बनाना पेपर से इतना मुश्किल होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, है ना। आपको हम इस प्रकार से हम कोशिश करते हैं समझाने का, इस प्रकार से आपको बताने का कि आप एक बार जब इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको लगेगा ना ये तो हम एक बार में ही बना लेंगे। इस क्राफ्ट को क्या करते हैं, कहीं पे हम खराब भी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे करके फैलाएंगे ताकि ये दोनों पैर इसका अलग अलग हो जाए, है ना। और उसके बाद हम कहीं पे ऐसे करके रखते हैं तो ये क्या होगा कि आराम से ये रुक जाएगा। ये देख रहे हैं कि ये क्या हो गया कि खड़ा हो चुका है एंड ये साइड व्यू में और भी ज़्यादा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखे होंगे एंड बनाने का भी प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।